नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल टीएनए में। साल 2019 ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी मंदी भरा रहा है और उसी का असर इस साल के पहले दो महीनों में गाड़ियों की सेल्स फिगर में भी देखने को मिला है, जिसमें काफ़ी उथल पुथल देखने को नज़र आती है। कई सारी गाड़ियों की पोजीशन में बदलाव हुए हैं, कई सारी गाड़ियां टॉप 10 की लिस्ट में से बाहर हो चुकी हैं। इनफैक्ट कई सारी गाड़ियाँ उनकी सेल्स इतनी गिर गई है कि आपको वो सुनकर एक सदमा सा लग सकता है, एक शॉक सा लग सकता है। मेरी पिछली दोनों तीनों वीडियो में आपने ये डेफिनेटली गौर से समझा होगा कि किस तरह से ऑटो सेक्टर में मंदी का माहौल छाया रहा है। मारुति ने अपने सभी डीजल इंजन्स को बंद कर दिया है, जिसका असर उनकी कई सालों से सेगमेंट किंग बनी हुई कई सारी गाड़ियों के सेल्स पर भी नज़र आया है, जिनको टॉप सेलिंग लिस्ट से बाहर होना पड़ा है। कई मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्शन को भी घटाया है। मारुति के सेल्स फिगर फिर भी ठीक ठाक बने हुए हैं, क्योंकि उनकी कई गाड़ियों की डीजल वेरिएंट्स अभी भी स्टॉक में अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से उनका सेल्स फिगर ठीक ठाक बना हुआ है। फरवरी के सेल्स फिगर देखें तो उन पर ऑटो एक्सपो के बादल भी नज़र आते हैं। लोगों को ऑटो एक्सपो से कई सारी उम्मीदें थीं, कई सारी नई गाड़ियाँ और कुछ फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड थे, जिसकी वजह से कई गाड़ियाँ कम बिकी हैं, कई तो टॉप 10 की लिस्ट में से बाहर भी हो गई हैं। इन सब की कई सारी वजह भी रही हैं। फरवरी सेल्स आपको एक आइडिया देगा कि पूरे साल भर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का रुख क्या रहेगा, अलग अलग कंपनीज की स्ट्रैटेजी इस साल के लिए क्या रहेगी। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सेलिंग मिड साइज सेडान्स के बारे में। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में 5वें नंबर पर आई है टोयोटा की यारिस। यारिस एक बेहद ही दमदार प्रोडक्ट है। पेडल शिफ्टर्स, 7 एयरबैग्स, यूनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम जैसे कई सारे बेहतरीन फीचर्स के साथ में ये गाड़ी आती है। उसके बावजूद भी कंज्यूमर्स ने इसे नहीं खरीदा है। फरवरी के महीने में देश भर में इसकी केवल 542 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,76,000 रुपये से शुरू होकर 14,18,000 रुपये तक की मिल जाती है। चलिए मुड़ते हैं अपनी अगली कार की तरफ। फरवरी के महीने में पूरे भारत में चौथे नंबर पर आने वाली सेडान है ह्युंडई की वेरना। फरवरी के महीने में पूरे देश में इसकी केवल 570 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,17,867 रुपये से शुरू होकर 14,07,871 रुपये तक की मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 3 पर आने वाली स्कोडा की रैपिड के बारे में। फरवरी के महीने में पूरे भारत में रैपिड की केवल 680 यूनिट्स ही बिकी है। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,81,916 रुपये से शुरू होकर 13,99,599 रुपये तक मिल जाती है। इस लिस्ट में फरवरी के महीने में पूरे भारत में दूसरे नंबर पर आई है होंडा की सिटी। होंडा की सिटी होंडा का एक बेहद ही प्रीमियम प्रोडक्ट है। कई सालों से ये भी इस सेगमेंट में अपना सिक्का जमाए हुए हैं। फरवरी के महीने में पूरे भारत में होंडा सिटी की कुल मिलाकर 1,256 यूनिट्स बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 10,21,649 रुपये से शुरू होकर 14,58,648 रुपये तक की मिल जाती है। चलिए साहिबान, अब बात कर लेते हैं पूरे भारत में नंबर 1 की पायदान पर आने वाली कार के बारे में, तो वो है मारुति की सियाज। फरवरी के महीने में पूरे भारत में मारुति सियाज की केवल 2,544 यूनिट्स ही बिकी हैं। एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से ये गाड़ी आपको 8,31,974 रुपये से शुरू होकर 11,09,974 रुपये तक मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर ये थी वो गाड़ियाँ जो फरवरी के महीने में टॉप 5 बेस्ट सेलिंग मिड साइज सेडान की लिस्ट में शामिल हुई थी।
आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।